जय हिंद दोस्तों, मैं कर्ण पठानिया आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी ये कोशिश है कि हम आपके साथ करंट अफेयर्स शेयर करें और उसके अलावा हम आपको थोड़ा मोटिवेशन और लीडरशिप के बारे में भी बात करें। आज का जो हमारा विषय है वो है चाइना 50 विंग लॉन्ग आर्म जो ड्रोन्स हैं उनको पाकिस्तान को देने की सोच रहा है। अभी ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि ये 1000 kg से ज़्यादा पेलोड ले जा सकते हैं, जिसमें आपके मिसाइल्स आ जाती हैं, उसके बाद आपके बॉम्ब्स आ जाते हैं, उसके बाद आपकी एंटी टैंक मिसाइल्स आ जाती हैं और एंटी शिप मिसाइल भी आ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हुई है। अभी मैं आपको विंगलोंग के बारे में बताता हूँ। 2 जो है ये एडवांस वर्जन है विंगलोंग 1 का, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 11 मीटर है, विंग स्पैन 20 मीटर है, 400 kg का ये पेलोड ले जा सकता है, 18 घंटे तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है एयर में, और स्पीड इसकी 360 किलोमीटर है। तो ये आप मान के चलिए कि ये तकरीबन एक छोटा मिनी एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर वेपन ले जाने की कैपेसिटी है। अभी इंडिया जो है वो इस ड्रोन कैपेबिलिटी में पाकिस्तान से भी पीछे है, बिकॉज पाकिस्तान तकरीबन 5 ड्रोन डेवलप कर चुका है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ये जो ड्रोन है ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में इसका जो कॉस्ट होगी तकरीबन 1/10 होगी। अभी चाइना ये क्यों कर रहा है? देखिए, चाइना बड़ा क्लियर है कि उसने इंडिया को इकोनॉमिकली डाउन करना है, वो इंडिया को आर्म रेस में उलझाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास या चाइना के पास ड्रोन कैपेबिलिटी है तो इंडिया को एक्वायर करनी पड़ेगी, उससे उसका डिफेंस बजट बढ़ेगा। दूसरा, वो ये अश्योर करना चाहता है कि उन्होंने जो सीपैक कॉरिडोर के अंदर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर तकरीबन 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो POK के रास्ते गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते जाता है, उसके ऊपर किसी किस्म का भारतीय दबाव ना हो। और तीसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को ऐसे डेब्ट ट्रैप में डालना चाहता है जिससे वो निकल ना सके और किसी भी कंडीशन में वो चाइना को अपोज ना कर सके। इंडिया के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया की बात चल रही है कि वो जो सबसे एडवांस्ड ड्रोन है, आर्म ड्रोन्स, प्रीडेटर जो USA का है और हैरन इसराइल का है, तो ये 2 बेस्ट ड्रोन्स हैं, इनको इंडिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। और उसके साथ ही इंडिया को ये भी करना है कि अपनी जो आत्मनिर्भरता वाली कैपेसिटी है, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं जो इसको बना सकते हैं, तो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे निकल जाना चाहिए कि हम एडवांस ड्रोन, आर्म ड्रोन बना के दुनिया के लोगों को सप्लाई करें। जय हिंद।